कंपनियां मुनाफा कमा रही है गेहूं से, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो अगर गेहूं की खरीद कहीं से होगी तो मंडी से होगी। हम प्राइवेट कंपनियों को सीधा नहीं खरीदने देंगे। अगर हमें रेट भी अच्छा देना पड़ेगा तो मंडी के माध्यम से अपने किसानों को रेट ज्यादा दिला करके उनकी मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक ये सुविधा नहीं होगी तब तक आढ़तियों के माध्यम से प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी और मुनाफा खुद कमाएंगी, हमारे किसानों को नहीं मिल पाएगा। ये जो सरसों है रेट हो सकता है अच्छा मिल रहा हो, लेकिन सोचो सरसों का तेल खरीदते होगे तो क्या हिसाब खरीदते होगे आप, और जो रिफाइंड तेल है वो खरीदना पड़ रहा होगा तो बताओ उसका रेट क्या मिल रहा है आपको। जमीन बीजेपी वालों को वोट चाहिए था तो राशन में भी रिफाइंड तेल आ रहा था, रिफाइंड में कुछ दिन दिया इन्होंने, राशन में तो दिया था गरीबों को कुछ दिन, लेकिन वोट मिल गया उत्तर प्रदेश में रिफाइंड तेल भी बंद हो गया, अब नहीं मिल रहा है, चना भी बंद हो गया, अब पता नहीं राशन में क्या मिल रहा होगा। राशन में पता नहीं क्या दे रहे हैं, केवल चावल मिल रहा है।